नहीं कहना, आप भी मुझसे अलविदा नहीं कहना, क्योंकि हम बिछड़ेंगे नहीं, बिछड़ेंगे तो हमारे आंसू बिछड़ेंगे। हमारे तुम्हारे से जो प्यार है, वो प्यार तुमने जो आज बांटा है, वो ये नहीं क्षण क्षण हर जीवन में याद रखूंगा, कभी अलविदा नहीं कहूंगा। मुझे सभी साधक जितने भी हैं वो मेरे हैं और मुझे उनसे सभी से इतना ही प्यार। एक बात आज क्लियर कर देना चाहता हूँ, पारुल बहन बहुत कष्ट के साथ आज कम से कम 15 साल हो गए शिविर करते हुए आ रहे। जन्मदिन का शिविर वशिष्ठ जी से आरंभ हुआ था, लेकिन कारण तो वहाँ करने वाली पारुल बहन ही थी और वो हर जन्मदिवस में अपना भाग करते हुए जन्मदिवस करके आई। लेकिन उतने ही प्रेम से मुझे निमेश गोपी, इन्होंने भी मेरे प्रेम दिया और यहाँ का शिविर उन्होंने किया। मैं आज एक अनाउंसमेंट कर, मेरे साधकों में कभी फूट नहीं देखना चाहता, मेरे साधक सब एक है और एक ही रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, किसी को नाराज नहीं करता। एक साल पारुल बहन का होगा और एक साल निमेश का होगा, अगला साल निमेश को देता हूँ शिविर का किनारे बनाने, और आप में फूट नहीं होगी। आप प्रेम के साथ सभी लोग शिविर में भाग लेंगे। हर साल एक साल पारुल बहन का, एक साल निमेश और गोपी का होगा। गुजरात में ही मैं जब तक जिंदा हूँ गुजरात में ही जन्मदिन और नानी जो है। अगला शिवरात्रि का शिविर अरुणाचल प्रदेश ज्योतिर्मंडल में, कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा, जहाँ पूरे फॉरेनर्स आते हैं, कहते हैं कि गिरि प्रदक्षिणा जो करता है शिवरात्रि के उपलक्ष में, वहाँ वो सांप पापों से मुक्त हो जाता है। यही नहीं कि भारत के सब लोग, वो ऐसा एक पर्वत है जहाँ अग्नि पर्वत के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल की श्रेष्ठता इतनी है कि केवल दर्शन मात्र से और एक प्रदक्षिणा काटने मात्र से सारी पापों पाप तो जाते ही जाते हैं, और मनुष्य अपने सारे पूर्व जन्मों को वहीं देख लेता है और पूर्व जन्मों के किए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। इसलिए शिविर 28 और 1 तारीख दो दिन तिरुवन्नामलै तमिलनाडु में है। चेन्नई से 4 घंटे का रास्ता है और वहाँ जहाँ रमण महर्षि का आश्रम है, रमण महर्षि जहाँ अपने गोपाल भेदन से सिद्ध हो गए थे, जिनको अरविंद घोष आप जिनका नाम सुनते हैं, ये सारी चीज़ें भी, ये सारे लोग भी वहीं से आए थे। काव्यकंठ गणपति मुनि रमण महर्षि आदि सभी लोग वहीं से आए थे। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी बात से सहमत होकर सब लोग एक बार जोरदार तालियों से कि गुजरात में ही मेरा जन्मदिन होगा और एक लोग कहेंगे आशीर्वाद देता हूँ। हाँ हाँ, नीलेश भाई कह रहे हैं निमेश्वर अपने पारुल बहन को ही देते हैं, और दूसरे कोई भी कैसे दिखा सकते हैं, लेकिन उनका हाथ पकड़कर ये बात कभी भी ये दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जो बुनियाद है, बुनियाद को तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सभी को आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन जब भी ये लोग करेंगे सभी लोग सहायता करते हुए एकजुट होकर साधना करेंगे। हम अगले ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे में कोई भेदभाव है, ऐसा आज तक नहीं हुआ और होगा भी नहीं। आशीर्वाद देता हूँ। बोलो बोलो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी मैं, आप अगर 5 मिनट बैठ जाएं तो आज शिविर का जो अंतिम छोर है वो आपको मैं प्रदान करना चाहता हूँ। सभी लोग बैठ जाए, धाम में होगा क्योंकि वहाँ आने के लिए आपको सबको तैयारी अभी से करनी पड़ती है। आप अगर दे दें, आपका नाम लिखवा दें, तो हिमालय की वो तराई है जहाँ नरनारायण पर्वत है। कहते हैं कि जो वहाँ एक बार जाता है अपना सारे पुराण, सारे जितने भी पुराण कहते हैं कि मुक्ति धाम में नरनारायण थे और वहाँ का दर्शन लेने मात्र से कहते हैं कि हमारे जन्म के हम ये नहीं, जब भी होंगे तो मानव जन्म ही भी होगा और मानव जन्म में भी श्रेष्ठ जन्म होगा, और मुक्ति धाम में जाके आने वाला साधक कभी पशु का जन्म नहीं लेगा और वो मुक्ति प्राप्त करते हुए अपने गुरु चरणों में ही होगा, क्योंकि नर नारायण नर के गुरु नारायण गुरु थे और शिष्य नर थे, जैसे कृष्ण और अर्जुन। वहाँ से कृष्ण और अर्जुन की नवनाथ संप्रदाय भी वहाँ से आरंभ होता है। उस मुक्ति धाम में इस बार की 21 अप्रैल की गुरु साधना
जयंती 21 अप्रैल मुक्ति धाम में मनाया जाएगा, जो हमारे नेपाल से काठमांडू से आगे जाना पड़ता है। तो ये कार्यक्रम आपको मैं समझा दिया हूँ। अभी मैं जो आज भुवनेश्वरी का प्रसाद है, पहले पारुल बहन को उठने के लिए कहता हूँ कि उनके साथ जो भी आयोजक आयोजिताएं हैं वो सब लोग इस खड़गमाला को, इसे भुवनेश्वरी खड़गमाला कहा है, और इस खड़गमाला को उनके साथ जिन्होंने भी सहायता की है उनको, ये सभी को इस खड़गमाला को पहनने के लिए दिए। आप दुखी नहीं होना पड़ल बहन, मैं जो कहता हूँ सभी के लिए कह रहा हूँ, सभी के लिए। वो दुख तो सभी को होता है, अगर नहीं होता है तो सभी के लिए दिया। इनको ये भुवनेश्वरी का फोटो दे रहा हूँ, और आपके पास भुवनेश्वरी खटकमाला। खटकमाला का अर्थ होता है जिस देवी देवताओं के हाथ में खटक हो वो अपने शत्रुओं को या अपने बाधाओं को काटने के लिए जो काम होता है वो खटकमाला। इवन भगवान इंद्र हो, वैजयंती माला कृष्ण रूप में पहने, कौस्तुभमणि पहने, ये रहते हुए भी क्यों देवता आवरण पहनते हैं, तो उसके पीछे ही कारण होता है कि अपनी शक्ति से भी बढ़कर जो शक्ति को प्राप्त करता है और अपने गुरु के हाथ से जो माला हो वो कुछ भी दे, फूल भी दे, तो उसमें शक्ति होती है। कहते हैं कि एक बार इंद्र भगवान अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर जा रहे थे, तो सामने दुर्वासा महावनी दिखे, तो दुर्वासा महावनी ने उनको वैजयंती माला इंद्र को दे कि ये ले तेरे को मैं भेंट में दे रहा हूँ। तो इंद्र ने पहना कि मेरे पास इतने रत्न रहते हो, ये फूलों की वैजयंती माला दिए हैं, तो उन्होंने निकाल कर वो ऐरावत को डाल, अपने हाथी को डाल दिया। जब दुर्वासा महावनी ने पलट कर देखा कि उसने उसका अपमान किया है, तो उन्होंने कहा कि तू 1000 वर्ष तक दरिद्र होकर जिएगा। इसलिए गुरु की किसी भी जीवन छोटी सी दी हुई चीज़ को भी कभी अपमानित नहीं करना, वो जीवन की धरोहर है, उसको अपने जीवन के अंत तक रक्षण करना, वो तुम्हारी रक्षा करता है। ये खड्गमाला है, इसको जो भी पहनेगा उसके लिए माता भुवनेश्वरी पूर्ण रूप से इस माला पर अगर 100 बार भुवनेश्वरी खड्गमाला का पाठ करके धारण करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और आपकी आशाओं पर पानी नहीं फिरेगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि यहाँ के आयोजकों को आज वैलेंटाइन और उनकी मीटिंग में बहुत सुंदर शिविर किया, और इससे मैं बहुत आनंदित हूँ। ऐसे ही शिविर आगे भी होते रहें, आशीर्वाद देता हूँ। सभी लोग 2 मिनट समय। अभी आज तो जन्मदिन का हमने उत्सव मनाया है, समापन समारोह तो करने की इच्छा नहीं है, मगर समय का अभाव है, समय के अनुसार हमें भी चलना पड़ता है। तो आज आपके इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में